यूपी के जेवर गांव में रहती है धनवती दीदी। वो सिर्फ पैसे से ही धनवती नहीं है पर दिमाग से भी है। पढ़ी लिखी शहर घूमी हुई, हिसाब किताब की बिल्कुल पक्की। गांव में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो सीधा धनवती दीदी के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। पर दीदी के साथ फ्री में मिलती है सलाह देने वाली। स्कूल की छुट्टी के बाद दीदी की पूछ 11 साल की बातूनी बेला। छोटी है पर सबकी दादी है। जो भी दीदी बोले उस बात को मजे से समझाती है। ये दीदी और दादी की जोड़ी बड़ी खूब है। अरे ज्योति, चलो कहीं हम धनवती दीदी के पैसों की पाठशाला के लिए लेट ना हो जाए। अरे सलमा, रंजना, हाँ आओ। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, बैठो। कैसे हो तुम दोनों? बिल्कुल बढ़िया दीदी, बिल्कुल ठीक टाइम पे आ गई। अभी क्लास शुरू नहीं हुई थी। नमस्ते धनवंती दीदी। नमस्ते, आओ बैठो। क्या हुआ कमला, कुछ परेशान लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बस दीदी ठीक ही हूँ। जहाँ कारखाने में काम करती हूँ वहीं से आ रही हूँ। तो आज जल्दी आ गई? जी दीदी, वो हमें दूसरे गाँव जाना है, एक रिश्तेदार के यहाँ पे शादी है, तो बस इसीलिए कारखाने से जल्दी आ गई और बोल के आई हूँ कि अगले 3 दिन भी नहीं जा पाऊँगी। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? दीदी परेशानी ये है कि आज की पगार और अगले 3 दिन की पगार कुल मिलाकर लगभग 600 रुपये बनते हैं। 600 रुपये का नुकसान हो जाएगा और शादी का खर्चा अलग से। 600 रुपये? इतने कम? कम? दीदी मैंने जमा तो ठीक ही किया है ना। देखो एक दिन का 150 रुपया और 4 दिन का कुल मिलाकर 600 ही होता है। मैंने सही जमा किया ना? मेरे कहने का मतलब है कमला कि 150 रुपये तो बहुत कम है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे कारखाने में जो आदमी काम करते हैं उन्हें भी इतने ही पैसे मिलते हैं क्या? जी दीदी 200 रुपये मिलता है। उन्हें 200 रुपये? क्यों, तुम उनसे कुछ अलग काम करती हो क्या? नहीं दीदी, जो आदमी लोग काम करते हैं हम भी वही काम करते हैं। तो फिर तुम्हें इतने कम पैसे क्यों मिलते हैं? वो आदमी लोग हैं ना इसलिए उनको ज़्यादा मिलता है और हमें तो इतना ही मिलता है, हम औरत है ना इसलिए। क्या बात कही है कमला, तुम औरत हो इसलिए तुम्हें कम पैसे मिलते हैं। जिसने तुम्हें ये बात बताई है उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि हमारे देश के नियम और कानून चाहे वो आदमी हो या औरत सबके लिए एक जैसे हैं? तो ये बात सही है क्या दीदी, क्या हमें आदमी जितनी पगार मिलनी चाहिए? हाँ कमला, तुम्हें भी आदमी जितने ही पैसे मिलने चाहिए। अच्छा। कुदरती तौर पर ही आदमी औरत में फ़र्क किया जा सकता है। काम धंधे के मामले में आदमी और औरत में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए क्योंकि आदमी और औरत दोनों एक जैसा काम कर सकते हैं, इसलिए एक काम तो एक दाम। बिल्कुल दीदी, औरतें खेतों में काम करने से लेकर सभी काम करती हैं और पुलिस अफसर, पायलट, मास्टरनी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ड्राइवर या नर्स भी हैं। दीदी सोच को बदलो तभी समाज बदलेगा। समझ गई बड़बोली बेला, समझ गई। जब काम हो एक जैसा तो पैसा भी हो एक जैसा। अच्छा दीदी धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। अच्छा बाय कमला दीदी, अब लगता है आप उन कारखाने वाले की खूब खबर लोगी। सही कहा तुमने, खूब अच्छे से खबर लूँगी अब मैं उनकी। अच्छा दीदी अब मैं चलती हूँ। ठीक। अच्छा और सलमा तुम बताओ, तुम्हारा सिलाई स्कूल कैसा चल रहा है? सुना है गांव की रामलीला में तुम्हारे यहीं से कॉस्ट्यूम, मेरा मतलब ड्रेसेस जाती हैं। जी दीदी, मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है पर मेरे सिलाई स्कूल के पैसों के लेने देने के लिए या तो मुझे मेरे पति या किसी रिश्तेदार या किसी पड़ोसी को बोलना पड़ता है और गांव के बाहर पैसा भेजने के लिए भी मुझे बहुत डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है सलमा, तुम अपनी कमाई को बैंक में जमा करो और इस जमा की हुई धनराशि को तुम आसानी से दूसरे गाँव, शहर या विदेशों में भी पहुँचा सकती हो। अच्छा हाँ, चलो तुम्हें गीता और बबीता की कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हारी तरह ही परेशान थी। जी। गीता और बबीता नाम की दो सहेलियां हैं। गीता ने बैंक से एटीएम कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग और चेकबुक इत्यादि की सुविधा ले रखी है। वहीं उसके उलट बबीता के पास बैंक में बचत तो है
पर बबीता बैंक से जरूरत के समय पैसों को आसानी से निकाल नहीं पाती। दोनों सहेलियां अचानक एक दिन बाजार में मुझसे मिलती हैं। धनवती दीदी नमस्ते, आप कैसी हैं? नमस्ते, कैसी हो तुम दोनों? सब ठीक है दीदी, दरअसल मैं आपसे बहुत दिनों से मिलना चाह रही थी। बताओ क्या बात है बबीता? दीदी मेरे पास बैंक में बचत है, पर उस बचत को जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाल नहीं पाती। अरे दीदी, बैंक से अपने ही पैसों को निकालने में आखिर किस बात की परेशानी? वो दरअसल क्या है ना कि मुन्ना के पापा काम के चक्कर में 4 महीने से शहर में हैं। वह शहर से मेरे खाते में पैसा जमा करवाते हैं, पर मुझे यह समझ में नहीं आता कि कैसे बिना डरे मैं अपने पैसों को बैंक से निकालूं। बबीता, बैंक में जमा अपनी बचत से पैसों को निकालना बेहद आसान है और इसको हम कई तरीकों से निकाल सकते हैं। और आखिर अपने बैंक से अपने ही पैसों को निकालने में डर कैसा? चल बैंक द्वारा दिए जाने वाले आसान तरीकों के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं ATM के बारे में। दीदी मैं अपने मन पसंदीदा ATM के बारे में बताऊं प्लीज? हाँ हाँ बेला बताओ। ATM के इस्तेमाल करने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। पहला, ATM मशीन में अपना ATM कार्ड डालें। ध्यान दें कि ATM कार्ड को आड़ा या सीधा डालना है और कार्ड डालकर उसे तभी निकाल लेना होता है। दूसरा, भाषा को चुनें। तीसरा, अपना ATM पिन डालें। चौथा, धन निकासी का चुनाव करें। पांचवा, खाते का चुनाव करें। छठा, मशीन में उपलब्ध बटन की मदद से राशि का चुनाव करें। सातवा, अपनी नकदी प्राप्त करें। और आठवा, अपना निकासी पत्र ले लें। और हमेशा ध्यान रखें कि अपना ATM पिन नंबर कभी किसी को ना बताएं। अरे वाह बेला, जिस प्रकार से ATM मशीन पैसे फटाफट से गिनकर निकाल देती है, ठीक वैसे ही तुमने भी फटाफट से ATM से पैसे निकालने के तरीके के बारे में हम सबको बतला दिया। और साथ ही ATM से जुड़ी कुछ जरूरी बातों का भी ध्यान हमेशा रखें। और कौन सी जानकारियाँ दीदी? अपने बैंक खाते के साथ अपना मोबाइल नंबर भी अपने बैंक में दर्ज करवाएं, जिससे जब भी आप ATM से पैसे निकालोगी तो तुम्हारे खाते में कितने पैसे बचे हैं, कितने निकले हैं, उसकी जानकारी SMS के जरिए तुम्हारे फोन पर आ जाएगी। देखा दीदी, जैसे मैं ATM मशीन से नहीं डरती, वैसे ही इससे आप भी ना डरें, बल्कि इसे अपनाएं। बिल्कुल सही कहा बेला, अब हम ATM से डरेंगे नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। बबीता, केवल ATM ही नहीं, और भी तरीके हैं आसानी से पैसा निकालने के, जैसे कि पैसे निकालने वाले फॉर्म यानी धन निकासी फॉर्म सभी बैंकों में होते हैं। निकासी पत्र में इस प्रकार से ब्यौरा भरना होता है, जैसे निकासी की तिथि यानी तारीख, खाता संख्या, जितनी राशि निकालनी है उस राशि को शब्दों और अंकों में लिखना, खाताधारी के हस्ताक्षर। ठीक उसी तरह बैंक में डिपॉजिट स्लिप भरकर पैसे जमा भी कर सकती हो। और अगर बैंक तुम्हारे घर से दूर है तो अपने गांव के पास जो भी बैंक मित्र या बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट होगा वो भी तुम्हें ये सारी सुविधाओं का लाभ दे सकते हैं। चेक भी पैसे निकालने और भेजने का एक आसान तरीका है। चेक बैंक के ग्राहक का आदेश होता है, जो बैंकर को ये आदेश देता है कि वो उस व्यक्ति को जिसका नाम चेक पर अंकित है उन पैसों का भुगतान करे जो राशि चेक पर लिखी गई है। और हाँ दीदी, चेक बुक के साथ साथ ऑनलाइन ट्रांसफर के भी बहुत फायदे हैं। गीता, मैंने तो सुना है तुमने ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बटुआ दोनों इस्तेमाल किया है। दीदी मैं तो अब ऑनलाइन ट्रांसफर और मोबाइल बटुआ दोनों खूब इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरे पति काम के लिए 3 महीने बाहर गए तो उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर से ही मुझे पैसे भेजे। और हाँ दीदी, तब मुझे समझ आया कि एक महिला के पास अपना मोबाइल होना कितना जरूरी है। मोबाइल है तो समझो तुम्हारा बैंक खाता तुम्हारे हाथ में है, मतलब जब चाहो पैसे निकालो। देखा दीदी, पैसों को मंगवाना, निकालना और कहीं दूर या पास भेजना बेहद आसान है। बिल्कुल सही कहा बेला, अब मैं भी इन सब आसान सुविधाओं को अपने जीवन में अपनाऊंगी। बैंक के कामों से ना घबराएं, बल्कि उसे उचित तरीकों के साथ अपनाएं। अरे कहाँ खो गए आप सब, कहानी खत्म हो गई। दीदी आप तो सच में ज्ञान का सागर हो। अरे नहीं सलमा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तुम्हारा कोई और सवाल तो नहीं है?
दीदी, मेरे दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि मेरा बुढ़ापे में खर्चा कैसे चलेगा। मेरा छोटा सा व्यवसाय है और मेरी सरकारी नौकरी भी नहीं है और आगे आगे मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर पाऊँगी, तो बुढ़ापे में इतने पैसे कहाँ से आए कि मैं खुद पर निर्भर हो पाऊँ। बिल्कुल सही कहा सलमा तुमने। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे कार्य करने की क्षमता और शक्ति दोनों कम हो जाती है और हमें परिवार के दूसरे सदस्य पर निर्भर रहना पड़ता है। पेंशन आर्थिक रूप से बुढ़ापे के जीवन को सुरक्षित बनाता है, तो हमें इस लंबे निवेश की शुरुआत जीवन में बहुत पहले से कर देनी चाहिए ताकि बुढ़ापे में हमारी जमा की हुई राशि हमें महीने की आमदनी के रूप में मिल सके। जी हाँ, सरल शब्दों में यदि कहें तो पेंशन बनेगा आपके बुढ़ापे का दोस्त। अच्छा, तो पेंशन होगा मेरे बुढ़ापे का दोस्त। हाँ बिल्कुल। और जानते हो, सरकार ने कई तरह की योजनाएं शुरू कर रखी हैं, जैसे अटल पेंशन योजना। ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं और बुढ़ापे में अपने जीवन यापन के लिए परेशान रहते हैं। हाँ दीदी, वो मैंने टीवी पे देखा है ना, बच्चन साहिब बताते हैं, लेकिन कभी काम काज के चक्कर में ध्यान नहीं दे पाए। थोड़ा आप बताइए उसके बारे में। हाँ, इसमें 18 से 40 वर्ष तक के लोग शामिल हो सकते हैं और इसमें योगदान के हिसाब से 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक निश्चित पेंशन है। इस पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। देखा दीदी, अब आपके बुढ़ापे के दिनों में पेंशन का प्रबंध हो गया। धन्यवाद दीदी, जो आपने हमें इस योजना के बारे में बताया। सरकार ने सबको ध्यान में रखकर ये योजनाएं बनाई हैं। दीदी, आपने बुढ़ापे के दोस्त के बारे में तो बता दिया, लेकिन हमारे जीवन में जो बिन बुलाई मुसीबतें आती हैं उनसे कैसे जूझें? जैसे पिछले साल बाढ़ की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई और इस साल मेरे भाई रहीम का सड़क पे जाते हुए ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। हाँ दीदी, ये सही कह रहा है। मेरे पिताजी का अचानक से स्वास्थ्य खराब हो गया और मेरी सारी जमा पूंजी उसी में लग गई। अब आप ही बताइए, ऐसी अचानक से आने वाली परेशानियों का कोई हल है क्या? हाँ दीदी, दीदी मैं बताऊँ? हाँ हाँ, तुम बताओ इन्हें जोखिम वाली समस्याओं का हल। वो जोखिम भरी समस्याओं का हल है बीमा। हाँ, बीमा। दीदी सच बताऊँ तो मुझे ये बीमा योजनाओं के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, आप ही इनके बारे में कुछ बताएं। क्यों समझ नहीं आता? चलो अब सरल शब्दों में सबसे पहले हम यही समझते हैं कि बीमा का मतलब क्या है। बीमा का मतलब है अपने और अपने परिवार को जोखिमों के लिए तैयार करना। हम सबका जीवन अचानक और अनहोनी घटनाओं से भरा रहता है, हम सबको जोखिम के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए बीमा हमारी मदद करता है। बीमा की बात की जाए तो बीमा 3 तरह के जोखिमों से, जैसे जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति में हमें सुरक्षा देता है। जीवन बीमा की बात की जाए तो इसमें परिवार के किसी बीमित व्यक्ति की मृत्यु, अचानक या किसी दुर्घटना में हो जाती है तो परिवार के सदस्यों को वो बीमा राशि मिल जाती है। स्वास्थ्य बीमा की बात की जाए तो इसमें बीमा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ जैसे अस्पतालों या चिकित्सा के खर्च को उपलब्ध कराता है। और संपत्ति बीमा की बात की जाए तो इसमें संपत्ति का नुकसान जैसे आगजनी होने पर पशुधन की हानि या बीमित दुकान पर कोई दुर्घटना घटित होने पर बीमे की राशि उपलब्ध हो जाती है। और हाँ, किसी भी योजना में नाम दर्ज कराने से पहले उसकी सारी शर्तों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और फिर छोटी छोटी किस्तें समय पर भरते रहिए। समय पर छोटी छोटी किस्तें भरते रहेंगे तो बीमे का लाभ उठा सकते हैं। और हाँ, सरकार ने कई तरह की बीमा योजनाएं चलाई हैं जिसमें आप नाम मात्र के लिए किस्त भरकर बड़ा लाभ मिल सकता है। हाँ, वो 12 रुपये और 330 रुपये वाली योजना के बारे में हम भी सुने हैं टीवी पर, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, आप ही बताएं उसके बारे में। दीदी दीदी, इसके बारे में मैं बताऊँ? हाँ, मैं गिनती से बताऊँगी। तो योजनाएँ कुछ इस प्रकार हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अंत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके तहत बीपीएल परिवार के लाभ हेतु स्वास्थ्य योजना बनाई गई है। इसमें प्रत्येक बीपीएल परिवार अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था में 30,000 रुपये सालाना तक पा सकता है। दूसरी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके तहत समस्त बचत बैंक खाता धारकों जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष तक की है 330 रुपये सालाना प्रीमियम में 2,00,000 रुपये तक का जीवन बीमा पा सकते हैं और आपके बाद आपकी ये राशि आपके परिवार वालों को मिल जाती है। तीसरी बात की जाए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, तो इसके तहत समस्त बचत बैंक खाता धारकों
जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष तक की है, मात्र 12 रुपए सालाना प्रीमियम में 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा पा सकते हैं। इसमें दुर्घटना जनित विकलांगता भी शामिल है। और रही बात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, इसके तहत किसानों को प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करती है। जिन किसानों ने खेती के लिए ऋण लिया है, ये योजना खराब मौसम में भी उनकी मदद करता है। धन्यवाद दीदी, हम तो समझे थे ये बीमा और पेंशन योजना सिर्फ बड़े लोगों की बात है, पर आज समझ आया कि छोटी आमदनी वाले लोग भी इन बीमा और पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। अपने और अपने परिवार के कल को बेहतर बनाने के लिए ये बहुत ही सही उपाय है। तो अब किसी और का कोई सवाल है? नहीं दीदी, नहीं। तो आज की सभा खत्म करें? तो चलो दोहराओ मेरे साथ। की बात बताओ। हाँ हाँ दीदी, जरूर बतलाओ। भविष्य को सुरक्षित बनाओ, बीमा योजना को अपनाओ। बीमा है जोखिम से छुटकारा, पेंशन बढ़ापे का।